साथियों, मैं आज आपके YouTube चैनल एग्जाम विद्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम फिर से हाजिर है आपके 69,000 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो आपने जैसे कि थंबनेल में पढ़ लिया होगा, उसमें आपको पूरी जानकारी दी जा रही है कि फॉर्म भरने में मानवीय त्रुटि को लेकर दाखिल याचिका हुई थी आपकी, हाई कोर्ट ने की है खारिज। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में, और कौन यहाँ पर सेफ है और किसको राहत नहीं मिल रही है जैसे कि मैंने उसमें बताया है, तो पूरी जानकारी वीडियो में दे रहा हूँ। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, और जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो पहले मैं बताना चाहूँगा, थोड़ी देर पहले की न्यूज है, हाई कोर्ट ने जो 69 शिक्षक भर्ती है आपकी फॉर्म भरने में मानवीय त्रुटि को लेकर दाखिल याचिका हाई कोर्ट ने की है खारिज। यहाँ पर देख सकते हैं इलाहाबाद, यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि फॉर्म सही ढंग से भरा जाना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी, इसे कंप्यूटर ऑपरेटर की भूल बताना गलत है। कोर्ट ने कहा, अपनी गलतियों का भुगतान करना हर अभ्यर्थी का ही की जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट में आशुतोष कुमार श्रीवास्तव व अन्य लोगों ने ये याचिका जारी की थी, जो कि आपको पता होगा, जिसमें कि कई लोगों ने ये याचिका जारी की कि हम पे जो फॉर्म था उसमें गलती हो गई है, जो कि यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रॉब्लम बताई थी, लेकिन इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर को गलत बताना गलत है, आपकी खुद की गलती है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। जो कि आपको पता होगा 69,000 शिक्षक भर्ती की जो प्राइमरी स्कूल में बेसिक स्कूलों में जो 69,000 शिक्षक भर्ती की जो मामला चल रहा है, अभी स्टे लग चुकी है जैसे कि आपको अभी पता होगा। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, लखनऊ की हाई कोर्ट बेंच ने भर्ती परीक्षा पर रोक लगाई थी, जो कि आपको 12 जुलाई को जो आपत्तियों की सरकार UGC को प्रेषित करेगी और UGC आपत्तियों का निस्तारण करेगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई आपको पहले ही बता चुका हूँ, 12 जुलाई को होनी है, 12 जुलाई को, ठीक है। तो आगे बात करने वाले हैं हम कि इसके बाद जो आपको बताना चाहूँगा, ये आगे हम चलते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि किन अभ्यर्थियों को राहत नहीं है इस भर्ती में। तो जो 1 या 2 अंक से पीछे रहे अभ्यर्थियों, हज़ार जो अभ्यर्थी हैं, आपको पता होगा जब पॉइंट अगर पे थोड़ी सी मेरिट नीचे जाती है तो कई हज़ार लोग आ जाते हैं। तो ऐसी जो बाहर अंक वाले हैं, जो 1 से 2 अंक से पीछे रह गए हज़ारों अभ्यर्थी को राहत नहीं है। जी हाँ, अभ्यर्थी उनको राहत नहीं है, बहुत बड़ी खबर है। उधर प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि नियुक्तियां याचिका के अंतिम निर्णय की विषय वस्तु होगी। कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई की होगी। कोर्ट ने रोहित अंशु सिंह सहित दर्जनों याचिकाओं पर ये आदेश दिया है। याचिकाओं में चयन परिणाम रद्द करने मांग की गई है। जस्टिस प्रकाश पीड़िया की एकल पीठ में सुनवाई हुई। मतलब आपको मैं भैया बताना चाह रहा हूँ, जिनके 1 से 2 नंबर कम है मेरिट में, उनको बहुत कम चांस है, मतलब उनको राहत नहीं है इस बार। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, इसमें जो आपको पता होगा, जो कि कॉमन अंक वाली कहानी चल रही है, तो क्या होगा ये 12 जुलाई को देखते हैं। और जब तक कि पूरी अपडेट पाने के लिए, जैसे ही अपडेट आती है हम आपको बताते रहते हैं, हमारे चैनल से आपको प्रोवाइड होती रहती है, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।